जैसे रूपा जी बात करें अगर सरसों की, तो सरसों भी देख रही है कि सरसों में जब से हमने देखा है कि एक दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है वायदा बाजारों के अंदर, तब से सरसों की जो कीमतें हैं वो 8300 के घरों में ही एक सीमित दायरे में कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है सरसों में गिरावट के कारण क्या क्या है, जबकि देख रहे हैं कि सरसों के फंडामेंटल्स मजबूती की ओर है और स्टॉक इतना है नहीं? देखिए जहाँ तक सरसों की बात है, अगले सरसों के अंदर अभी देखा जाए अगर हाल फिलहाल में, तो मंडियों के अंदर सरसों की जो है वो प्राइजेस के ऊपर भी दबाव आया है, और ओवरऑल देखा जाए तो काफी, क्योंकि जो प्राइजेस पीछे इतने ऊपर हो गए थे, आप देखिए प्राइजेस अभी भी काफी तेजी पर कारोबार कर रहे हैं, 8000 के ऊपर सरसों बिक रही है। और इसका इम्पैक्ट ये है कि हरियाणा में, और इनफैक्ट हरियाणा के साथ साथ काफी स्टेट्स के अंदर कुछ एक सरसों की मिले भी, पिराई मिले जो है वो बंद हो चुकी हैं, क्योंकि प्राइसेस काफी ऊपर हैं, और आवके भी अगर देखा जाए तो अभी इम्पैक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अब जो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स है, इसका जो है ट्रेंड जो है वो चेंज होता दिखाई दे रहा है, ना केवल डोमेस्टिक में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी अभी कीमतों के ऊपर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ आयात शुल्क कम होने की जो अफवाहें निकल कर आ रही हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट प्राइसेस के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कीमतें नीचे लुढ़कती हुई दिखाई रही है। तो अभी जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी फिलहाल जो है बाजारों के अंदर तेजी मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी अभी एडिबल ऑयल पैक के अंदर आती हुई दिखाई दे सकती है। एडिबल ऑयल पैक के अंदर एक रेंज में फिलहाल कारोबार देखने को मिल सकता है। जी,